नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुप्रसन्नी और आप देख रहे हैं दिल्ली नाइट। इंटरनेट की इस दुनिया में अब डिजिटल लेन देन आम होता जा रहा है और कई बैंक नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं अपने ग्राहकों को दे रहे हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसी सुविधा ले रहे हैं तो आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। दरअसल गूगल ऐप पर ऐसी कई फर्जी ऐप्स चल रही हैं जो बड़े बड़े बैंकों के नाम से डाली जा रही हैं और साथ ही आपका जो डाटा है वो वहां से चुराया जा सकता है। दरअसल आईटी सिक्योरिटी फर्म की एक रिपोर्ट की माने तो SBI, ICICI, एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों के नाम से जो फर्जी ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है और ग्राहक वहां से वो जो ऐप है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद वहां जब एक्सेस कर रहे हैं तो उसके बाद से वो कई धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके डाटा वहां से चुराए जा रहे हैं और कई बैंक इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं और वो जांच चल रही है। हालांकि कुछ बैंकों को इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि उन बैंकों के ग्राहक ऐसी धोखाधड़ी का शिकार अभी तक नहीं हुए हैं। और साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो ये फर्जी ऐप है वो बिल्कुल असली ऐप की तरह ही लगते हैं, इसलिए लोग फर्क नहीं कर पाते और उन ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं और उसके बाद वो धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। तो इससे बचने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जो फर्जीवाड़ा है बैंकिंग सिस्टम में लगातार चल रहा है, तो ग्राहकों को सावधान रहने की जरूरत है। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।